दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। अभी हम आप लोगों के लिए लाए हैं बीए थर्ड ईयर जो हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर, वो लाया हूं। और आप सभी की एक बात बता दूं कि जैसा कि आप लोग कल जो है जो पेपर दिए थे कल, उस पेपर को आप लोग देखे होंगे कि उसमें हमने जो क्वेश्चन बताए थे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो वैसे ही एक लोगों ने मुझे मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि आपने जो क्वेश्चन बताया था वही पेपर में आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ बीए थर्ड ईयर वालों का जो थर्ड पेपर है हिंदी का, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस बनाऊँगा, इकोनॉमिक्स भी बनाऊँगा जिनका इकोनॉमिक्स है। आप लोग परेशान ना होइए, धीरे धीरे बनेगा। अब मैं स्थिर हो रहा हूँ, भले ही घर पर हूँ लेकिन हाँ बनाने का प्रयास जारी है और बना रहे हैं तो बनाएंगे। ये लेट हो गया थोड़ा, कल ही पेपर है आज ही बना रहे हैं, ऐसे ही अब हम जल्दी करेंगे बनाने के लिए। और फर्स्ट ईयर वाले भी परेशान हैं, उनका मई में एग्ज़ाम ज़्यादा है तो उनको भी बनाना है। तो चलिए हम अभी बता देते हैं आप लोगों को ये जो आपके लिए बताना है। तो पहला है आपका जो यहाँ पे प्रश्न जो है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। पहला जो प्रश्न है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी है, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या तात्पर्य है, साहित्यिक हिंदी की विविध क्या है, या फिर प्रयोजन हिंदी के संदर्भ में उसकी सीमाओं एवं संभावनाओं पर विचार करिए, या फिर उसकी प्रवृत्तियों पर बात कीजिए, और या फिर इसकी प्रमुख पंक्तियों प्रयुक्तियों को संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रयोजन से रिलेटेड आ जाता है। थोड़ा यहाँ गर्मी लग रही है, मुझे लगता है कि उधर चलना चाहिए, बहुत पसीने हो रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, तो हम आप लोगों को क्या कहते हैं बता देते हैं अब, और एक मिनट, चलिए। अब रूम पे रहता था, आप लोगों को पता है कि रूम पे मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से बना देता था, और स्टूडियो एकदम बना है बढ़िया से, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही रूम पे घर पे कहीं भी बना दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया जो एक क्वेश्चन हमने बताया है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं वो सारे तथ्य आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको बता दें, उसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन में आपको इसी का जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आ जाता है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आ जाता है, ये हमने फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों को बताया था कि इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है राष्ट्र और राजभाषा आता है, राजभाषा की हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये इसी में है। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में और दूसरा राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर या फिर उसके बारे में लिखने के लिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बताता हूँ वो है कार्यली हिंदी की प्रकृति और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और इसके बाद है परिभाषिक शब्दों के लक्षण लिखिए, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण लिखिए। उसके अलावा अनुवाद की परिभाषा या फिर अनुवाद का की आवश्यकता पर विचार करते हुए उसके अनुभव के प्रकार, उसके अनुवाद के जो प्रकार हैं विचार करिए उस पर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमने जो दो नंबर क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बताया, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण और कार्यली हिंदी प्रकृति में विशेषताओं प्रकाश डालिए, और अनुवाद की परिभाषा या अनुवाद की आवश्यकता पर विचार करते हुए उस पर उनके अनुवाद के प्रकारों पर विचार करिए। तो ये तीन क्वेश्चन में से दो पढ़िएगा बस, और दो में से आना 100% है, कभी दोनों आ जाता तो कभी एक जरूर आता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के इतिहास पर जो है प्रकाश डालिए। अब देखिए हिंदी के पारिभाषिक शब्द, वही आ गया पारिभाषिक, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डालिए, यहाँ तीसरे नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा इसके अथवा में लिख सकते हैं आपको, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपका दो नंबर में भी आया है, हमने बताया हुआ है। उसके अलावा जन संचार के माध्यम से जो उपयोगित रेडियो की व्याख्या कीजिए, रेडियो की क्या भूमिका है, इसको लिखना आ जाता है जनसंचार के माध्यम से। और उसके अलावा आ जाता है संप्रेषण की परिभाषा, ये तीन क्वेश्चन सेकंड, और ये जो हमने बताया इसमें से एक क्वेश्चन तो सेकंड नंबर में भी आ जाता है, तो ये कॉमन है। तो दो क्वेश्चन बताए, जनसंचार के माध्यम से रेडियो की क्या भूमिका है, या फिर
संचार के मतलब संप्रेषण की परिभाषा, ये रिलेटेड है, इससे रिलेटेड संप्रेषण की परिभाषा रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मतलब इसमें से हो गया, ये कभी कभी दो नंबर में ये क्वेश्चन इसमें से आता है। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन में से सिर्फ आपको दो क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला है देवनागरी लिपि के गुणों का परिचय दीजिए, और दूसरा है निबंध लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ऐसा है उस पर टिप्पणी कीजिए। अब दो क्वेश्चन हो गया चौथे नंबर में से, दोनों में से एक, या तो दोनों या तो फिर एक आना 100% तय है। लेकिन इसके अलावा आपको इसमें ही कभी कभी जो एक नंबर में हमने क्वेश्चन बताया है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, वो वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो उसको आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। कभी कभी चार नंबर में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर स्पष्ट करने को आ जाता है, जो हमने पहले क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन इसमें भी कभी कभी आ जाता है चौथे नंबर में, ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है इंटरनेट, इसमें कई आता है, उसमें से कुछ चार को करना रहता है, तीन को करना रहता है, जो भी करना रहता है, छोटे छोटे आते हैं, टिप्पणी करने को आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पहले नंबर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं शेयर किया करिए, ताकि अभी कुछ स्टूडेंट बाद मैसेज किए आपने सेकंड पेपर नहीं दिया हिंदी का, उन्होंने फर्स्ट पेपर का वीडियो देखा था, शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था या फिर कोई अलग इशू था उसके वजह से उन्होंने नहीं पाए। लेकिन आप लोग अगर शेयर करेंगे तो जो लड़के वंचित रह जाते हैं, जो लड़कियां, बहुत सारे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। और सच तो ये, मैंने कई पेपर पूरा फंसा देता हूँ, जैसे कल ही वाला पेपर आप लोग मिलाएंगे तो हमने जो वीडियो बनाया था उसके मुताबिक प्रश्न आए थे अच्छे से, उसने बताया कि आपने जो बताया था वही आए, स्टूडेंट ने कमेंट मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, और फिर मैंने आज सोचा बना ही दूँ शाम तक में। और अब प्रयास करूंगा अगली बार दो तीन दिन पहले पेपर से ही वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन में अब आप लोग कुछ देख लीजिए, उसमें से पहला है जो है वो है इंटरनेट, दूसरा आ जाता है इसमें रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद, या फिर अग्गा वाला है विज्ञापन की भाषा, या फिर रेडियो की भाषा एवं विशेषताएँ, और संपादकीय लेखन आ जाता है, टिप्पणी करने को है, ये सब हिंदी के सॉफ्टवेयर प्रूफ के प्रमुख चिन्ह, ऐसे क्वेश्चन आता है, और संचार माध्यम तथा उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोगों से उम्मीद यही है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो शेयर करेंगे तो सारे स्टूडेंट पास पहुँच जाएगा ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ना किया हो। हम सोचेंगे कि अगले वीडियो से हम आपको पहले ही पहले प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। तो धन्यवाद।